कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, तो वहीं इस मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की, आइए सुनाते हैं आपको। आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, इनसे बात करते हैं। सर, अगर किसानों की बात करें तो लगातार आंदोलन जारी है और आज भी किसानों ने सड़क जाम किया, आपको क्या लगता है कि वजह क्या है और ये रुक क्यों नहीं रहा? वजह तो शुरुआती वजह है, जिस वक्त आपको भी पता है, जब ये था कि किसान तो कह रहा था कि तीनों जो कानून हैं उनको वापस ले सरकार, और सरकार ये बोल रही थी कि आप हमारे से बात करें, जो आपकी उचित बातें होंगी संशोधन के माध्यम से आप कानून का उसको हिस्सा बना देंगे। इस बात के लिए किसान तैयार नहीं था और इसीलिए 10-11 राउंड की बातें हुई और 26 जनवरी की घटना के बाद फिर वो सारा सिलसिला ही बंद हो गया। तो अब ये कहना कि और कोई रास्ता है बचा जिससे कि इसका कोई समाधान हो, तो शायद किसी को भी कोई भी आदमी ये नहीं बोलेगा कि बिना संवाद के कोई समाधान हो सकता है, और इसीलिए किसान अपनी बात कहने के लिए बैठे हैं। उनको इस बात की चिंता है कि नए जो कानून बने हैं उनसे उनको नुकसान होएगा, बिना कोई रिजल्ट निकले, बिना कोई परिणाम आए अगर आंदोलन चलेगा तो सबको नुकसान है। तो आप सुन रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसान और सरकार दोनों तरफ से जो भरोसे की कमी है, भरोसा डेवलप होना चाहिए तभी संवाद हो पाएगा, लेकिन सवाल यही है कि ये भरोसा आखिरकार कैसे होगा। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।